आज किसान नाम मत लेना, किसान नाम अशुद्ध हो गया, किसान खंडित हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध नाम मत लेना। अब मूंग जो तक शुद्ध खेतिया किसान का नाम लेना, जो कोई किसान की बात करे उसे चुको, किसान की बात कुछ मत करो, अशुद्ध जो तक की बात करो, किसान की कोई बात नहीं। किसान अशुद्ध हो गया, कोई पेटी कोट हो गया, कोई धोती ले गया, कोई ग्लास ले गया, कोई छोटी ले गया, कोई ये पकड़ ले गया और भाग गया दिल्ली और लखनऊ और तुम वैसे रोते रह गए। बस आप ये तुम्हारी थी, तुमको वही पकड़ा दी जाएगी, वही जहां गांव में रहते हो वही पकड़ा दी जाएगी। ये दिल्ली लेकर के नहीं कोई भाग सकेगा, ये वही पकड़ करके और झंडा गाड़ लेगा और सब वही सिर्फ पीछे। अगर तुमने बाबा जी का साथ दे दिया और बाबा जी की बात मानी और अपना झंडा अगर तुमने पकड़ लिया तो ये बाबा जी ये कि ये सत्ता सब आपको वापस छोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथों में चली जाएगी। और जब सत्ता का झंडा जब गर जाएगा जंगलों में, ये मूंग जो था खेतिया खासदार इनके खेतों पर, तब देखिएगा कि देश में होता क्या, वो देख रहे। फिर लोगों ने जो कल्पना की थी कि रामराज किसको कहते हैं और सामराज किसको कहते हैं और देवराज किसको कहते हैं और सचिनराज किसको कहते हैं, सब आपको समझ में आएगा। इसलिए अब दिल्ली आपसे ले और मैं उधर भाग रहा हूँ दिल्ली की तरफ नहीं, मैं दिल्ली आपको ले जाऊंगा, मैं लखनऊ ले जाऊंगा, उधर भगवान का जंगल जंगल उसी तरफ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने ये शहर में रहते हैं सब जंगल में भाग के आएंगे। क्यों? ये भोजन तो चला जाएगा जंगल में, वो दुकान तो जंगल में चली जाएगी, तो वो शहरों में क्या रहेगा, सब बात के बात होंगे। और देखिएगा तो ये आपका झंडा, ये जुलाई के ये बाद ये देखिए इसके ऊपर ये खड़े तो कितना सुंदर लग रहा है, जैसे देवताओं की तरफ जा रहे हैं ऐसा। सर आपको भी अच्छा लगता है? मुझे नहीं, मुझे तो आप मैं जब देखता हूं तो मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते। लेकिन आप भी कहते हो कि बहुत अच्छा लगता है, तो जब अच्छा लगता है तो मुझे अच्छे तो अच्छा तो है, अच्छा तो बहुत पसंद होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे बात भी और सुन लीजिए, पंजाब में जो घटनाएं हो रही वो बंद नहीं। आपने जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो कहा था घटना नहीं होगी, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं। जब चुनाव की सरकार जब वहां बन गई थी और जितनी घटनाएं अब हुई है उसका टोटल जोड़ दिया जाए तो अब घटनाएं ज्यादा मारने की, इतनी घटनाएं उस समय नहीं थी। आपने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, किसी भी संसद सदस्य को या किसी भी विधायक को जेल में बंद नहीं करना चाहिए। आप गौरव बादल को, जो पंजाब के जो बादल है जो विधायक थे, उनको आपने बंद कर दिया, उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। और बादल ने जो विधायक थे उन्होंने कोई भी खालिस्तान की मांग नहीं, और खालिस्तान की मांग वो लोग भी नहीं मांग रहे, ये तो एक हवा है, पता नहीं कहां से खड़ा कर दिया जाता है। और पंजाबियों से पूछा जाए कि आप खालिस्तान चाहते तो पंजाब से शुद्ध और कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है, ये पंजाबी खालिस्तान का तो कोई, लेकिन जिस खालिस्तान की उन्होंने चर्चा की थी कि राज करेगा खालसा, वो खालसा तो अलग है, खालसा कहते हैं सेवक सेवक। तो जो रास्ता आपने पंजाब में अपनाया है उन लोगों को जो इस समय पर वहां बड़े अधिकारी हैं उनका आप ट्रांसफर कर दीजिए, या जिनका रिटायरमेंट हो गया उनको रिटायर कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, नए लोगों को भेज दीजिए और नया एक फिर से माहौल वहां क्रिएट कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। नया रास्ता पाइए तो पंजाब में घटनाएं नहीं होती। अगर आपको नहीं रास्ता मिलता है तो बाबा जी से पूछ लो, बता देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बता रहे, क्योंकि हम 2.5 वर्षों से ऊपर से चिल्ला रहे हैं और आपने हमारी एक भी बात ध्यान में नहीं दी, इसलिए ये बात नहीं।
किसी मंदिर को गिराना, किसी मस्जिद को गिराना, किसी गुरुद्वारे को गिराना, किसी चर्च को गिराना, इसे आपका काम नहीं है। आपने अपने विधान में रखा है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों का वो अनुसरण करेंगे, अपने अपने धर्मों में रहेंगे और आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और सभी लोगों की आप विभाजित करेंगे। ये आपका भारतीय संविधान कहता है। अगर आपने मैजिक मंदिर और गुर्दा गुरुद्वारे में या चर्च पर आपने हमला कर दिया तो धर्म निरपेक्ष कानून समाप्त हो गया। ये धर्म निरपेक्ष नहीं, इसलिए हिंदू हो मुसलमानों सिख ईसाइयों आप बाबा जी की बात को अपना लो और किससे आपको न मुसलमानों का कुछ मिलेगा, न हिंदुओं का कुछ, न सिखों का कुछ मिलेगा, ना न ईसाइयों का। इसमें तो एक इंसानियत और मानवता जो उस फिकर की इस पृथ्वी पर है वो चीज आपको मिलेगी। और उसी पर आपको थोड़े दिनों के बाद आना, चाहे बात होकर के आओ, चाहे व्यापारी में आओ, चाहे मजदूरी में आओ, चाहे रोकर के आओ, चाहे चिल्ला करके आओ, लेकिन आपको उस स्थान पर आना ही होगा। दूसरा कोई अच्छा नहीं। इसको मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनिए। फिर मैं ये बात आपको याद दिलाता हूं कि जो ये मेरे एमपी जिन लोगों ने चोरी की है, भारतीय यानी संविधान का उल्लंघन किया है, जो राष्ट्रद्रोही हो गए, जिन्होंने भारत की जनता का विदेशों में धन, चाहे वो भूत लेकर के की हो, चाहे दलाली लेकर के या और तरह से उन्होंने यहाँ ले जाकर इकट्ठा किया हो, लेकिन राष्ट्रद्रोही है, उन लोगों ने धन विदेशों में जमा किया है, आपने उनको चुनकर के भेजा था कि आप इन सबकी देखभाल और संभाल करेंगे। ये मेरे एमपीओ को मतदान देकर कि जाइए आप और इन सबकी देखभाल भी कीजिए, कोई भारत का धन बाहर न ले जाए और साथ ही साथ में हमारी सुख सुविधा के लिए सब कुछ सामान लेकर के आइए और हमारे गांव गांव में हमको सुख और सुविधा हमको दीजिए। तो ये बात तो ये मेरे एमपीओ ने छोड़ दी और बाबा जी इतने वर्षों से चिल्ला रहे कि विदेश से निकल गया, विदेश से निकल गया, धन चला गया, भारत का चला गया, बात खुलेगी और सारे विश्व में ये बात फैल जाएगी, तो आपने ये बात क्यों ध्यान में नहीं दी? और अब ये एमएलए एमपी उन चोरों का साथ दे रहे हैं जो ये सोचते हैं आपको कुछ मिल जाएगा। अरे भाई 500 रुपए क्या है? जैसे भारत की जनता की आप सेवा वास्तव में करो तो आपको अपने हाथ से ले लेगी और तुमको तो भारत की जनता 2000 रुपए भी पैसे दे सकती है। तुमको किसी तरह का भी, भारत की जनता तो इस तरह की है लेकिन कम से कम इसकी सेवा इसकी करो तो, लेकिन तुम चोरों का साथ, इसका साथ छोड़कर ये चोरों का साथ देते हो, तो आपके लिए ये समय दिया गया 28 फरवरी को आज जिन्होंने चोरी की और विदेशों में धन जमा किया उनका साथ ये एमएलए एमपी अगर नहीं छोड़ते हैं तो आने आने वाले समय में एक भी एमएलए एमपीओ को ये घूम ज्योतक शिक्षक का साथ संगठन एक को भी नहीं आने देगा। तब तो तुम्हारी महिमा और सिफत है, चाहे कितना भी झूठ कर ले तुम इसको पी डालो, मैं भगवान की सत्ता का आपको यह अनुभव कराऊंगा और परीक्षा कराऊंगा कि भगवान की सत्ता कितना वो हजम आपको हाजने की शक्ति देती है और साथ देती है। कितना भी झूठ करे लेकिन परमात्मा की सत्ता आपको साथ देगी, उसको आप पी जाओ और खड़े हो जाओ। ये आपसे हमारी अपील, इसलिए जो हम सत्य कहें वो टैप हो रहे हैं, खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ। देखो मुसलमानों, ऐसे जो तुम अल्लाह का हक इबादत करते हो या देवादत नहीं, तुम अपनी रूह से अगर वास्तव में हकीकत में इबादत करो उस खुदा की, तो खुदा तुम्हारे सामने नजर आएगा। लेकिन तुम ऐसी बनावट इबादत करते रहोगे और अपने ईमान पर रहम को भेजते रहोगे तो बताओ उस खुदा खुद कैसे होगा और तुम्हारी इबादत को कैसे कबूल करेगा? तो इबादत कैसे करते हो? इबादत को रूह से करनी चाहिए थी, जो उसका नूर है उससे इबादत नूर की जाती है, वो नूर का समुद्र है और तुम नूर के कतरे हो, तुम उसकी जात हो और तुमने उसकी जात से इबादत खुद की नहीं की तो वो खुदा खुद कैसे होगा? तुमने अपने रहम और ईमान को रोजी और रोटी के लिए तुमने जो बेच दिया है खुदा तुमसे नाखुश हो गया, फिर कैसे तुम्हारी इबादत कबूल होगी और फिर तुमको कैसे बरकत देगा? इसलिए तुम परवरदिगार अल्लाह ताला से तुम मांगो तो कुछ भी मांगना चाहते हो चिल्लाकर, और रोजी रोटी के लिए गुनहगार और काफिरों को अपना ईमान मत बेचो। बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुने और बोले
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आए मुसलमानों, तुम सीधे चले जाओ अयोध्या में जाकर के 500,000 एकदम चुपचाप चले जाओ और बैठ जाओ, और वहां हिंदुओं से ये कह दो जाकर के ये ले लो अपना राम मंदिर, इसको ले लीजिए आप, हमने आपको दे दिया, पर्चे छाप करके उनको बांटो। पहले तो महात्माओं को बुलाओ अयोध्या में कि आ जाइए, हम आपको देंगे, अब कोई आपके हमारे तुम्हारी लड़ाई नहीं। हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जो लड़ाया, उन्होंने अपने स्वार्थ और कुर्सी के लिए अच्छा काम नहीं किया। ये देश इससे तबाह हो गया, इससे सारा मानव बर्बाद हो गया, इंसानियत और मानवता खत्म हो गई और राजबस्ती किसी में रह नहीं गई। तो भारत के लिए काम मुसलमानों, तुम चले जाओ और पर्चे उनको बुला करके कह दो आज रास्ता हो गया, अब मुसलमानों का हिंदुओं को कोई झगड़ा नहीं, हम सब लोग मोहब्बत और प्यार से इस जगह रहेंगे और खुदा की इबादत और भगवान का भजन करेंगे। तो इबादत करो और वो भगवान का भजन करे और फिर करके एक दूसरे के काम आओ। धीरे 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 कोई फकीर आ जाएंगे, कोई महात्मा आ जाएंगे, सबसे मोहब्बत प्यार करके अच्छाई और बुराई को बताकर, जब तुमको मालूम हो जाए कि बुराई है हकीकत में ये बुराई है और हकीकत में ये अच्छाई है, तो बुराई को छोड़ो अच्छाई में। हम सब इस दुनिया में आए हुए हम उसी खुदा के ही संदेह, उसी भगवान के।